नमस्ते धान जी, स्वागत है आपका और बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम अक्षदान भारत है, मेरा गांव भादरी से और बाड़मेर जिला है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ और संपादक भी हूँ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ जन कल्याण प्रचार प्रसार अभियान का। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये अगर 10 साल पहले देखते तो कई लोग फ्रॉड होने से बच जाते हैं। इतना बढ़िया प्रोग्राम था कि हमारे को भी समझ, मैं पत्रकार हूँ, समाज सेवी हूँ और मैं जैसे जाति का कारण हूँ तो हम बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन ये बात हमारे माइंड में भी कभी नहीं आई कि मैं खुद भी इस फ्रॉड का शिकार हो गया था। तो आज जो कार्यक्रम ट्राई के माध्यम से और ब्रह्म कुमारी प्रजापति विश्वविद्यालय की तरफ से, दीदी गोविंदा जी की तरफ से जो कार्यक्रम रखा है, बहुत ही था लोगों का आगे फायदा। नमस्ते, स्वागत है आपका, बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार जी, मैं रणवीर सिंह बादू, बाड़मेर राजस्थान से। आज जो ये ट्राई के मार्फत आपने जो कार्यक्रम किया जी माउंट आबू से पधारकर, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की। बिल्कुल निश्चित रूप से आपने एक बहुत बड़ी बात बताई हम सबके लिए कि हमें इस फ्रॉड से और ट्रैपिंग से बचने के लिए ईमेल आईडी हमारा हर 3-4 महीने में चेंज करते रहना, पासवर्ड। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने सबके जानकारी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। निश्चित रूप से इससे बहुत सारे लोग आगे सावधान रहेंगे, और मैं बातें बताई है उसको हम लोग ने भी कई सारी ऐप्स हैं उसके अंदर इंस्टॉल की है जिससे आगे सावधानी बरत सकें। एक कोई ऐप के बारे में बताइए जो सेफ्टी के लिए ट्राई ने बनाया है। बिल्कुल, एक तो माई स्पीड ऐप ट्राई, हाँ बिल्कुल वो बताया है। तो निश्चित रूप से उससे हमें ये भी पता चलेगा हम कहीं भी हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, स्टेट के अंदर हैं, तो हमें कौन सा नेटवर्क चाहिए, तो कौन सा ठीक रहेगा हमारे लिए, तो वहाँ ये ऐप के मार्फ हमें पता चल सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। नमस्ते मुस्कान जी, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में अपने विचार। नमस्कार, मैं मुस्कान मेघवाल, बीजेपी जिला महामंत्री। और आज का जो ये ट्राई का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अच्छा लगा, और इसमें जो इंटरनेट तो हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हो गया है आज के टाइम में, और उससे हमें जितना फ़ायदा है उतने कुछ नुकसान भी है। तो आज जो आपने इस प्रोग्राम के माध्यम से उस नुकसान से बचने के जो तरीके बताए हैं वो बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, और ऐसे प्रोग्राम आप और भी करें ताकि जो आम जनता है उनको इन प्रोग्राम मतलब इस प्रोग्राम के माध्यम से वो भी जागरूक हो जाए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो साइबर क्राइम होते हैं उसमें कुछ कमी आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्ते, ओम शांति जी, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है इस ये कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम माउंट आबू से भाई साहब आए हैं, और जो आज मोबाइल के माध्यम से जो अपराध हो रहे हैं और जो धन का लॉस हो रहा है, बैंक खाते गायब हो जाते हैं तो क्यों हो जाते हैं, और ये सारी जानकारी भाई साहब ने आज हमको दी है। और भी फोटोग्राफ्स के बारे में आपने बताया है कि कोई गलत फ़ोटो क्लिक हो जाता है तो वो आगे तक पहुंच जाता है, तो ऐसे फोटोग्राफ्स हमको आगे से आगे फॉरवर्ड नहीं करने हैं। और भी आपने पासवर्ड चेंज करके अपने आप को कैसे बचाया जाता है ये जानकारियाँ भी दी है जो हमें नहीं थी, और हम ये चाहेंगे ये जानकारी हमको आगे से आगे मिलती है और हम भी आगे से आगे इस बात को पहुँचाएँ। ओम शांति, नमस्ते जी, बताइए आज के प्रोग्राम के बारे में। नमस्कार, आज का प्रोग्राम हमारा थार नगरी में बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा। मधुबन से आए भाई जी ने हमें बहुत अच्छी सुंदर ढंग से सारी प्रेरणाओं से बताया कि कैसे धोखाधड़ी से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ तो भोले भोले लोग हैं जो इन चीज़ों में फंस जाते हैं, अगर जानकारी नहीं होगी तो वो कितना ही नुकसान भुगतते हैं। तो भैया ने बहुत सुंदर ढंग से हमें उन चीज़ों से बचने के लिए बताया। ऐसे तो इंटरनेट वगैरह हमारा बहुत यूजफुल है, लेकिन अगर इसका गलत यूज़ करते हैं तो ज़रूर नुकसान ही होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको यूज़ करने का तरीका बताया माताओं को सभी को, इसके लिए आपको थार नगरी बाड़मेर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप ओम शांति।